आपको मैं अभी ये चाइनीज चाइनीज सूप यानी कि चाइनीज सॉस कैसे बनाता है वो भी आपको दिखाता हूँ, बना रहा हूँ मैं, वो ध्यान से देखना। इसमें वेज मंचूरियन के लिए, वेज चिकन 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 चिल्ली के लिए, चिकन मंचूरियन के लिए, नूडल्स के लिए, राइस के लिए चाइनीज सॉस इम्पोर्टेंट है, खाने के लिए मज़ा आता है, अच्छा बनता है। कैसे बनाता है ये सब आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ आपको सामने, आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहे हो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कैसे करता है, कहाँ से देख रही हो वो भी कमेंट जरूर करना दोस्तों। अभी मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, देखिए। थैंक यू। तो अभी मैं चाइनीज सॉस बनाने जा रहा हूँ। ये जो मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, वेज मंचूरियन, किसके लिए भी, नूडल्स के लिए, फ्राइड राइस के लिए, किसके भी खा सकते हो, ये सॉस बनाने जा रहा हूँ। देखिए, ये मिर्ची लिया है मैं, थोड़ा कड़ी पत्ता लिया हूँ, इसको मिर्ची काट लेता हूँ। दोस्तों अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, तेल डाल दिया, तेल गर्म कर लिया, अंडे में सॉस बनाने जा रहा हूँ, चाइनीज सॉस। अभी ये कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची डाल रहा हूँ, इसको अच्छे से पकाना। देखिए पक रहा है अच्छे से। अभी डालेंगे अपन आलम पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, दो चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। पका रहा हूँ, मिर्च पाउडर, थोड़ा मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। दोस्तों ये पक गया, जिससे हमें अपन पानी रखेंगे, इसमें पानी रखेंगे, अभी इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें पानी डालने के बाद अपन डाल देंगे ये रहा सोया सॉस, सोया सॉस डाल देंगे, सोया सॉस डाल दिया अभी। उसके बाद ये चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस डाले इसमें। इसके बाद इसमें डालेंगे सॉल्ट, नमक, नमक डाल दिया। फिर इसमें बाद ये टेस्टिंग सॉल्ट, टेस्टिंग सॉल्ट डाल दिया। टेस्टिंग सॉल्ट डालने के बाद इसमें आएगा फूड कलर, कलर फूड कलर आएगा। उसके बाद इसको हिलाएंगे ऐसा, अच्छा से मिलाएंगे। इसमें मिलाने के बाद थोड़ा सा सब इसमें मसाला डाल दिया दोस्तों। अभी ऐसे रेड कलर का आया है, अब इसको ढक्कन लगा दे रहा हूँ। 10 मिनट ढक्कन लगाने के बाद ये उबलने के बाद फिर इसको कम फ्लोर डाल के कट करेंगे, वो भी दिखाता हूँ आपको। वीडियो शुरू से अंतिम तक देखना दोस्तों, वीडियो को लास्ट में लाइक कमेंट करना, और चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपको वीडियो फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, दूसरा वीडियो दिखाता हूँ अच्छा अच्छा इसके लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो सीधा तुम मत जाइए, वीडियो अभी ये उमलना बाकी है, उमलने के बाद फिर इसको क्या क्या डालना है मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। अभी इसको ढक्कन निकालेंगे दोस्तों, कैसे हो रहा है उमल गया। इसको कल पकड़ा डालेंगे।
जैसे ये कॉलीफ्लावर हो गई, कॉलीफ्लावर और अच्छा से पानी में मिला के डालता हूँ। चाइनीज सॉस रेडी हो चुका है दोस्तों, ऐसे करके चाइनीज सॉस बना सकते हैं आप लोग भी। मुआ जो है कुछ लोग इसको अभी काट कर रेडी होगा।